Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti Pathak here. So today I am going to share my first experience of document verification. जैसे कि आप लोगों को पता है किसी भी government job में एक document verification का जो process है वो काफी ज्यादा crucial होता है. अगर आपके किसी भी document में किसी भी certificate में अगर कुछ भी error है, कोई भी अगर fake है तो यहाँ पे आप reject भी हो सकते हैं. तो मैंने भी अपना document verification करवाया और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना पूरा process किया था और मुझे कहाँ पे मेरा document verification हुआ, कैसे मैंने अपनी फाइल को रेडी की थी, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. तो मेरा ये वीडियो स्पेशली वर्ग ए के कैंडिडेट्स को डेडिकेटेड है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स को जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं या फिर जो वेटिंग में हैं, और इसके अलावा जो मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बचा हुआ है. इसके अलावा आने वाले फ्यूचर में भी जो कैंडिडेट्स हैं वर्ग दो के, वर्ग तीन के, जो कि मेन्स आप देने वाले हैं आगे, तो आप लोग भी मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं. तो जैसे कि आप लोगों को पता है एमपी में भी वर्ग एक का एग्जाम हुआ था, जिसमें पहले प्री हुआ, देन मेंस हुआ, मेंस के बाद हम लोग का रिजल्ट आया. रिजल्ट के बाद हम लोग को टीआरसी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कराया गया. डॉक्यूमेंट्स में आपके जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन की सारी सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स हो गई, और इसके अलावा आपके जितने भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं वो सब कुछ आपको वहां पे अपलोड करने थे. डिग्री वहां पे अपलोड करने के लिए अभी नहीं बोला था. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जो है वो मुझे दी गई थी 14th से लेकर के 19th ऑफ जून तक हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे टीआरसी पोर्टल पे. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है एमपी ऑनलाइन पे जाकर के अपलोड किए थे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने अपना जो है वो करवाया था 16th ऑफ जून को अपलोड किया था. 14 और 15 को मैंने जो है दो दिन रिसर्च की पूरी, कहाँ पे कौन सा स्कूल है, क्योंकि स्कूल की चॉइस फिलिंग भी हमको अभी ही कर दी थी. तो चॉइस फिलिंग में मैंने ये देखा कि कहाँ पे कौन सा स्कूल है, किस लोकेशन में है, मेरे घर से वहां तक की डिस्टेंस कितने किलोमीटर्स की है, ट्रेन फैसिलिटी है या नहीं है, बस फैसिलिटी है या नहीं है, नियर बाय मार्केट है या नहीं है, हॉस्पिटल्स है कि नहीं, सारी चीजें पहले मैंने इकट्ठा की. और उसके बाद 16th ऑफ जून को मैंने फाइनली एक लिस्ट जनरेट की, अपनी खुद की लिस्ट मैंने बनाई कि ये मेरे प्रायोरिटी पे स्कूल रहने वाले हैं, ये मुझे अपनी चॉइस फिलिंग में डालने हैं. जब 16th ऑफ जून को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, साथ में मैंने लास्ट मंथ में चॉइस फिलिंग भी करी. चॉइस फिलिंग के बाद मुझे जो है एक फाइनल इस तरह की एक रिसिप्ट जो है वो सब लोगों को मिली हुई थी ऑनलाइन सेंटर से. और इस रिसिप्ट को हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं ले जाना था. मैंने इसकी फोटोकॉपी भी करवा ली थी लेकिन इसको नहीं मांगा गया था. फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो था वो था 21 जून से लेकर के 23 जून तक, जिसे हम लोग बोलते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपको फिजिकली खुद जाकर के वहां करवाना था. आप अपने साथ में किसी को ले जा सकते हैं लेकिन अपने डॉक्यूमेंट लेके किसी और को नहीं भेजना था, वहां आपको खुद जाना था. काफी लोगों का डाउट ये था कि हम किसी को भेज देते हैं, हम बिहार से आ रहे हैं, हम कहीं से आ रहे हैं, कोई हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के लेके आ जाएगा घर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको खुद सेल्फ वहां जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने अपनी दो फाइल रेडी की थी. उन्होंने बोला हुआ था कि आपको दो फोटोकॉपी के सेट लगा करके जो टेक फाइल होती है उसमें लेकर के आना है. मेरी कुछ इस तरह की फाइल थी, टेक वाली फाइल इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह की फाइल आपको ले जानी थी. कलर भी आपको यही वाला, उसमें उन्होंने बोला हुआ था कि इस कलर की फाइल आपको लेकर के आनी है, या फिर आप कोई पिंक कलर की फाइल आप ले सकते थे वहां पे, लेकिन इसके अलावा और कोई कलर वाली फाइल आपको नहीं लेकर के आनी है. कलरफुल फाइल वहां पे अलाउड नहीं थी. तो इस फाइल में मैंने सबसे पहले अपनी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है. इस तरह से इसमें लिखा हुआ है यूएमएस नियोजन 2024. इसके अलावा मेरा जो ईयर था एग्जाम का, मेरी जो रैंक थी केमिस्ट्री से, मेरी 16th रैंक थी जनरल फीमेल कैटेगरी में. इसके अलावा आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि पद था जिसके लिए आप जाने वाले हैं, आपका नाम और आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, आपका फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर जो कि आपका प्री था और मेंस था दोनों के रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखने थे, और इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और आपका एक्चुअल एड्रेस इस फाइल के ऊपर लिखना था. इस फाइल के अंदर फिर आपको कुछ इस तरह का एक पेज दिया गया था. इसके अंदर आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी और इसी के हिसाब से आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया था कि आपने इस सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं. फाइल के अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हुए थे और ये फाइल मैंने जो है इस तरह से जनरेट की हुई थी, जिसमें मेरे सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स लगे हुए थे. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरा जो सेंटर था वो था ग्वालियर में, मुरार एक्सेलेंस स्कूल में, और मेरे सेंटर पे ग्वालियर में मतलब टोटल 175 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जिसमें 22 तारीख की डेट का ये मैं आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पे दो सेंटर्स बनाए गए थे, एक था जेडी ऑफिस में और एक था डीओ ऑफिस में, बाद में इनको कन्वर्ट कर दिया था. एक था एमएलवी स्कूल में और दूसरा था मुरार एक्सेलेंस स्कूल में.
इसके लिए हम लोग को टाइम स्लॉट दिए गए थे, मेरा टाइम स्लॉट था 11 बजे और दूसरा जो शिफ्ट थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 2:30 बजे से। तो जब मैं 11 बजे अपने सेंटर पे गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे और भी काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर सब्जेक्ट के हैं, और वहां पे हम लोग को सबसे पहले एक हॉल में बिठाया गया जो कि एक वेटिंग रूम था, और उस वेटिंग रूम में काफी बड़ा जैसे एग्जाम का हॉल होता है इस तरह का हॉल था, और उसी हॉल में ही हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। लगभग 11:15 तक वहां पे सारे जो भी स्कूल्स के प्रिंसिपल थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे, लगभग 7 to 8 वहां पे पर्सन्स थे जो वेरिफिकेशन के लिए पैनल में बैठे हुए थे। मेरे भी स्कूल के प्रिंसिपल मुझे वहां पे मिली जिन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल 6 to 7 टीचर्स जो थे या प्रिंसिपल्स थे वो पैनल में थे। इसके अलावा 2 कंप्यूटर के ऊपर भी पर्सन्स बैठे हुए थे जो आपकी सारी डिटेल्स को ऑनलाइन वेरीफाई कर रहे थे। बाकी 2 जो टीचर्स थे वो आपकी पूरी डेटा को मैच करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके एक्चुअल रियल वाले सर्टिफिकेट से मैच करती है कि नहीं करती, ये उन्होंने मैच किया। और उसके अलावा अदर जो लोग थे वो आपका टिक लगा रहे थे कि आपने जो ऑनलाइन जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो उससे मैच करी है कि नहीं करी है। तो इस तरह सबको अलग अलग काम वहाँ पे दिया गया था, और एक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में लगभग 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहे थे जो MP के कैंडिडेट्स थे। लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट्स थे जैसे राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स थे ग्वालियर में, तो उन लोग को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी को सर्च करना एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि MP के लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है जो UGC वेरीफाइड है नहीं है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में जिवाजी यूनिवर्सिटी थी, इसके अलावा मेरा BEd जो था वो ITM यूनिवर्सिटी से था, तो ग्वालियर में वेरिफिकेशन था तो वो लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी वेरीफाइड है, तो उन्होंने फटाफट जल्दी देख करके अकेडमिक रिकॉर्ड बोला कि ठीक है आपका हो चुका है, आप वेट करो और लास्ट में हम आपको जो है वो एक स्लिप देंगे, अभी आप तब तक बैठो। तो लगभग मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 13th नंबर पे था। हम लोग को एक नंबर अलॉट किए गए थे, पहले अटेंडेंस लगाई उन्होंने सबसे पहले जाते से कि सारे कैंडिडेट्स वहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, और हमारे साथ में जो भी लोग गए हुए थे जैसे पेरेंट्स थे तो उन लोगों को बाहर उन्होंने वेट करने के लिए बोला, और सारे कैंडिडेट्स को एक रूम में उन्होंने बिठा करके रखा हुआ था, और जिस जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो वहां पे करवाता जा रहा था, उसी हॉल में सारे लोग बैठे हुए थे। तो मेरा डॉक्यूमेंट जो था वेरिफिकेशन वो था 13th नंबर पे जब आया तो मुझे 5 मिनट में उन्होंने सारे रिकॉर्ड देखे और देखा सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सही है, उन्होंने मेरी फाइल जमा कर ली। 2 फाइल थी, एक फाइल जो है वो आपकी यहीं रह जाएगी जहां पे आपका वेरिफिकेशन हुआ है आपके जिला स्तर पे, और जो दूसरी वाली फाइल है वो आपकी भोपाल DPI गई है जो कि आपकी दोबारा से रीवेरिफिकेशन उसका किया जाएगा। सारे आपके रिकॉर्ड्स ऑनलाइन डीप में चेकिंग होगी जहां देखा जाएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, आपके मार्क्स, आपका ईयर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारा क्राइटेरिया आपका मैच किया जाएगा कुछ सही है या नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ आपकी गलती होती है तो यहाँ पर भी इस लेवल पे भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे आपका सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अलॉट हो जाएगा लगभग 5 तारीख तक। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, बहुत इजीली है, बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से अच्छे से तैयार करके रखें। जैसे कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे थे जो ऑलरेडी पहले किसी जॉब में थे तो उनके पास NOC नहीं थी, तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग का नोट भी लिखवाया था। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो 4 बजे के आसपास सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था और जो 2:30 बजे वाली शिफ्ट के लोग थे वो भी वहां आकर के बैठ चुके थे, क्योंकि हम लोग का प्रोसेस काफी धीरे धीरे चल रहा था तो लेट हो गया था, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे उनका वेरिफिकेशन होने में लगभग 15-20 मिनट लग रहे थे, बाकी जो ग्वालियर के थे उनको लगभग 5-7 मिनट के अंदर उनका वेरिफिकेशन हो चुका था। इसके अलावा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना था, इसका मतलब उसमें नीचे आपको आपका साइन, आपका डेट उस दिन जिस दिन वेरिफिकेशन था, और आपको नीचे उसमें लिखना था उसमें सेल्फ अटेस्टेड या फिर स्वप्रमाणित, ये आपको उसके अंदर लिखना था नीचे, और आपको आपका वेरिफिकेशन वहां पे करवाना था। वेरिफिकेशन के बाद में मुझे कुछ इस तरह की एक लेटर मुझे वहां से मिला, उस लेटर के अंदर जो लिखा गया था सृष्टि पाठक यहाँ पे प्रेजेंट थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान जो है वो किया गया सही तरीके से, और नीचे इसमें जो है सत्यापन अधिकारी मतलब जो DO थे उनके सिग्नेचर करके हम लोग को ये लेटर सबको एक साथ में लास्ट में उन्होंने दे दिया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 11 से लगभग मुझे 5 बज चुके थे, मेन प्रोसेस तो मेरा 5 मिनट का था, बाकी टाइम बस हम लोग बैठे रहे थे और इसलिए प्रोसेस पूरा हो गया था। अब हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 24 तारीख से लेकर के 1 जून तक भोपाल भेजे गए हैं, भोपाल में इनको सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से मैच किया जाएगा, ऑनलाइन इनकी डीप चेकिंग की जाएगी, और चेकिंग के बाद में जो है हम लोग के ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अलॉट किए जाएंगे, और फिर उसके 15 दिन के अंदर हम जो है अपना स्कूल जो भी है ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि मेरा जो है ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई है, मेरा लेटर आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। और लास्ट में फाइनली मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है।
और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि समाज की अगर आपको सेवा करनी है तो आप शिक्षक बनिए, क्योंकि शिक्षा का जो दान है वो आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं बिना किसी कंजूसी के, और ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं। तो आप जो है अगर आपके बच्चे सफल होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की सफलता उसके गुरु की काबिलियत का भी परिचय देती है, और ये बहुत ही अच्छी प्राउड मोमेंट आपके लिए है कि आप एक इतने अच्छे लेवल के आप टीचर बनने वाले हैं। आपके बच्चों को आप अच्छे से गाइड करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको मॉरल सपोर्ट करिए। टीचिंग के अलावा भी आपको उनका पूरा करियर काउंसलिंग आपको करना है, ताकि जब वो बड़े हों तो आपको हमेशा याद करें कि उस टीचर की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सबको जल्दी से आपका स्कूल अलॉट हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे को ज्वाइनिंग कहाँ पे मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।